वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे एक गुजराती फेमस चटनी जो बहुत सारे गुजराती स्नैक्स के साथ सर्व होती है। ये चटनी फाफड़ा, खमन और मेथी के पकोड़े के साथ सर्व की जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ml वाटर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून बेसन, पिंच ऑफ हल्दी, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून राई, 2 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टेबल स्पून तेल। तो सबसे पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे और इस बेसन को पानी में ऐड करके इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। अब ये ऑयल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें ये राई ऐड कर देंगे। अब ये राई हो चुकी है तो हमने जो पानी और बेसन का घोल बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी, शुगर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे मीडियम गैस पे 5 मिनट पकने देंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहे वरना हमने जो बेसन लिया है वो नीचे चिपकने लगेगा। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चटनी को चेक कर लेते हैं। ये अभी भी थोड़ी पतली है तो इसे और 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। 7 से 8 मिनट ये चटनी को बॉईल करने के बाद अब ये रेडी है। हमने इसमें बेसन यूज किया है तो जब ये थोड़ी ठंडी होगी तो और थोड़ी ठीक होगी। तो अब हम इस टाइम पे गैस को बंद कर देंगे। अब ये हमारी चटनी सर्विंग के लिए रेडी है। इसे कढ़ी भी बोलते हैं तो आप भी इसे अपने घर पे बनाइए और गुजराती स्नैक्स के साथ इसे सर्व कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।